ठीक ठाक आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का। पहले तो आई हैव टू टेल यू गाइस, मैं इनके आई मेकअप से इतना इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, ये आई तो हम अंधेरे में बात कर रहे थे, इन द सेंस कि उस साइड पे इतनी रोशनी नहीं थी, तो मैंने इतना नोट नहीं किया। मैंने कहा अच्छा कितना न्यूड, कितना अच्छा मेकअप किया है। फिर ये आई यहाँ पे सोफे पे बैठी और लाइट्स आई, मैंने कहा इट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच। तो किया कैसे है भाई? जब ये जो मेरी गजना है ना, ये मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट अरेंज नहीं करती है, तो मैं इसको दिखाती हूँ मैं कितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। चैलेंज करते हैं ये लोग मुझे, बहुत बुरी बात है। चैलेंज देखिए, मैंने एक्सेप्ट किया आज सुबह 11 बजे उठ के मैंने मेकअप किया और कितना अच्छा। थैंक यू, परफेक्ट है। लाइक यू कैन कैरी दिस शाइनी ग्लिमर ग्लिटरी मेकअप आई लुक इन द डे टाइम, क्योंकि वरना मुझे हमेशा ये होता नहीं या ये शाम या रात में मैं करूँ, बट इट्स गोइंग सो वेल राइट नाउ। सो व्हाट डिड यू यूज, ग्लिटर या ये आई शैडो? ये ऐसा है, ये आई शैडो ही ऐसा है। मैं पूरी ना अंदर से वो टेक्निक निकलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आई विल टीच हर आफ्टर दिस इंटरव्यू। आई एम टीचिंग हर, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। सो नेक्स्ट इंटरव्यू यू विल सी हर विद लाइक ग्लिटरी आईज। सीरियसली, मे बी, यस, ऑसम। ओके जी, प्रेम गली। मैंने जितनी रिसर्च की, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द वेट लॉस, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट कैसे स्टार्ट हुआ। मुझे मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने क्या क्या किया वेट लॉस में, मैं शेयर कर सकती हूँ आपसे। लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है, मुझे रात को जाके आपके और आपके भाई खाते पीते थे और वो मूवीज देखते थे, वो क्या ऑर्डर होता था? मैं मतलब यू सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, हम पूरी रात ऑर्डर करते रहते थे, एंड आई लव बिंज वॉचिंग एंड बिंज ईटिंग, दैट्स द थिंग आई डू ऑन वीकेंड्स, राइट। तो मुझे पूछना है वो क्या होता था पहले, पिज्जा, बर्गर, कबाब रोल, या कैसे ऑर्डर जाता था? हाँ, वो आपको पता है कि बॉयज क्योंकि ज्यादा खाते हैं, तो उनको ज्यादा उनका डिसीजन होता है कि हमें क्या मंगवाना है। अच्छा, तो अगर पिज्जा खाना होता था और हम सब दोस्त होते थे, तो फिर हम कोशिश करते थे अच्छा चलो कोई ऐसी चीज मंगवा लेते हैं जो इजी टू सर्व हो। अब कौन बच्चे जाके प्लेट्स लेके आए और सर्व करें, ग्लास रखें, तो हम कोई ऐसी चीज मंगवाते थे जो सब खा लें। और फिर क्योंकि हम पूरी रात मूवी देखते थे और एक के बाद एक मूवी, एक के बाद एक मूवी, तो जिस वक्त मूवी स्टार्ट करते थे तब भी ऑर्डर करते थे, और फिर जब मूवी खत्म हो रही होती थी और सब बातें कर रहे थे तो तब भी ऑर्डर करते थे। अच्छा, पहला तो, मतलब रुकता नहीं था पहला ऑर्डर मूवी के लिए, फिर दूसरा ऑर्डर मूवी खत्म होने की खुशी में। अच्छा, ये बताएं एक कौन सी, कितनी मैक्सिमम मूवीज देखी है एक रात में? कोई लाइक व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवीज? 4, और चौथी इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी कि मैंने सोचा 6 महीने तक तो मैं मूवी देख रही। कौन सी थी? कोई हॉरर मूवी थी और बहुत ही एलईडी लाइट से डराने की कोशिश टाइप में होती हॉलीवुड मूवी। सो यू मस्ट बी अ बफ ऑन मूवीज देन। या या। अच्छा, फिर प्रेम गली तक कैसे पहुंची आप? हाँ, एक्चुअली मैं, मेरे पास तुम हो मैंने किया, ब्रेक लिया था काफी अरसा और फिर वापस आके मेरे पास तुम हो किया, तो उसमें 2-3 दिन काम करने के बाद ही प्रेम गली की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। उन्होंने कुछ पोर्शन शूट किए थे क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी, तो उसका पोर्शन शूट कर रहे थे। और फिर नदीम भाई और मायूम भाई को लगा होगा शायद कि ये कैरेक्टर इससे करवाते हैं, तो दे टोल्ड मी अबाउट द कैरेक्टर। सनम कॉल्ड मी, सनम मेदी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी अबाउट द कैरेक्टर, एंड देन देयर वाज कासिम अली मुरीद द डायरेक्टर, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज वर्किंग विद हिम। और उनके साथ मैंने एज अ डायरेक्टर, मैं उनके साथ पहली बार इस प्रोजेक्ट में काम करी थी। इससे पहले मैंने एज अ डीओपी उनके साथ प्यारे अफजल किया था। ही वाज द डीओपी, या ही वाज द डीओपी, एंड आई वाज प्लेइंग द सिस्टर, हमजा सिस्टर, सबापास डॉटर। या आई रिमेंबर, यू रिमेंबर? या बिल्कुल। सो देखा मैंने प्यारे अफजल, नाइस, याद है मुझे। तो जब कासिम की बात हुई तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दिस। अच्छा, अभी तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था? अभी तक हाँ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, अभी सिर्फ बातें हो रही थी। हाँ, मतलब बातें हो रही थी क्योंकि वो एक्चुअली जब हम वहाँ जाते हैं मीटिंग के लिए सनम के पास, तो वो हमें नरेट इतना अच्छे से कर देती हैं कि उसके बाद हम कहते हैं चलो पहले बात हो जाए, फिर हम घर जाके स्क्रिप्ट पढ़ के बाकी बातें होती हैं, यू नो। सो आई रियली लाइक्ड इट, एंड देन सुहाई वाज इन इट, एंड देन फरहान वाज इन इट। आई वाज वर्किंग विद सुहाई एंड फरहान फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो, मगर बाकी काफी कास्ट के साथ मैंने काम किया हुआ था, तो आई वाज रियली एक्साइटेड एंड आई फील लाइक आवाम को भी उतना ही अच्छा लगा, हमारे लोगों को, दे एंजॉय, दे थॉरली एंजॉयड इट, लाइक आई एम स्टिल गेटिंग मैसेजेस एंड कमेंट्स वेयर दे आर सेइंग फरी बाजी फ्रॉम प्रेम गली, तो सबसे बेस्ट पूरे मोहल्ले की बाजी बना दिया मुझे, एंड यू नो पीपल, आई लव हाउ आवर पीपल रिएक्ट, दे स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन एवरी पिक्चर सेइंग बाजी बाजी, आई वाज लाइक यू आर नोइंग मी टू।
you know, they relate to it yes. and then they start doing the same joke which is really cool. Yeah. But मुझे ये बताएं कि गलती पहले फिर गलती बाद में आपने शूट किया पहले प्रेम गली शुरू हुआ और उसके बाद मैंने गलती किया. गलती वाज सबा आपस प्रोजेक्ट एंड यू नो शी वांटेड टू कास्ट मी. शी टोल्ड द प्रोडक्शन हाउस कि मुझे इस कैरेक्टर में अनुषा चाहिए. उन्होंने अपनी मर्जी से एक्टर्स चूज किए थे उस ड्रामे के लिए और उन्होंने एक बहुत पावरफुल कास्ट बनाई थी. आई बिलीव इट वाज है ना. हिरा मानी वाज अ ग्रेट चॉइस. अफान वहीद वाज अ ग्रेट चॉइस. आई मीन amazing actors. सब सब सारे सारे पूरी फैमिली जो थी आफान की वो that was very powerful. और लग रहा था कि हम फैमिली हैं. बिल्कुल है ना. कभी कभी ऐसा होता है ड्रामा में हम देख के सोचते हैं कि यार मैं थोड़ी मिसफिट लग रही हूँ. मैं इनकी बेटी नहीं लग रही या मैं इनकी बहन नहीं लग रही. कभी कभी ऐसा होता है. बट इन दिस ड्रामा I look like Sabapa's daughter. मैं ये कहने वाली थी खवातीन तो बिल्कुल लग रही है ना जिस तरीके से उनका. But वो also the way she directed और जिस तरीके से आप लोगों ने किया वो persona जो बना दोनों बहनों का और अम्मा का it was gelling in well. तो ये बताएं कि फिर script पढ़ा जब तो फिर कहा कि अच्छा फिर तब क्या हुआ. यू वर कन्विंस्ड कि मुझे करना है. नाम सारे और बातें सारी थी लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ के क्या आया दिमाग में. स्क्रिप्ट मैंने पूरा पढ़ा. हाँ, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग था और इतने सारे कैरेक्टर्स थे और इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग थी कि मैं रुक ही नहीं पाई. मैं एक एपिसोड दूसरी तीसरी चौथी और फिर मैं एडी को कॉल करती थी. मैं कहती आले सेंड मी मोर एपिसोड्स. आई एम एंजॉयिंग दिस. तो जो भी मेरा फ्री टाइम होता था उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैं अपनी एपिसोड्स पढ़ लूं. और हंसा से कितना बुरा हाल हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते ही ना. बहुत बहुत हंसती थी. लेकिन मुझे लगता है कि जब स्क्रिप्ट में पढ़ी थी तो मैंने वो सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था या उस विजन में नहीं देखा था जिस तरह शमीम हिलाली साहिबा ने और कवि खान साहब ने और मतीन का कैरेक्टर किया है मुस्तफ़ा ने. फ़ाइज़ा गिलानी, उस्मा हसन, आई मीन एक के बाद एक अच्छा एक्टर था. तो मैंने वो सब कुछ नहीं सोचा था स्क्रिप्ट पढ़ते हुए. जो कुछ मैं एपिसोड में देखती हूँ और हर दफ़ा अमेज हो जाती हूँ कि यार ये कितने अच्छे एक्टर्स हैं. और मैं इतना लकी फील करती हूँ कि मैं उन सब की कास्ट में थी और मैंने उनके साथ काम करना एक्सपीरियंस किया. इट वाज अमेजिंग. फरी का जो कैरेक्टर है मैं पहली किस से ये नोट कर रही थी कि यू नो देयर वाज अ सर्टेन लुक टू इट. यू नो सो वो कैसे आई. वो आपने और कासिम ने बैठ के डिस्कस किया या वो आपकी अपनी इन्वेंशन थी कि मैं फरी को शी इज रनिंग अ पार्लर तो उस इतनी वो कहते हैं ना कि एक उर्दू मुहावरा होता है कितने सलीके से तैयार हुई हैं. तो वो उसकी आईब्रोज भी बनी, लैशेज भी, नेल पॉलिश भी और वो उसके साथ वो थ्रेडिंग भी करी. तो वो हाउ डिड दैट ऑल कम. आई फील लाइक कासिम ने अच्छे से मुझे समझाया और एवरी टाइम ही मेड श्योर that I look proper and I have my hair done aur mere lashes lagi hui hain. He's like acha theek hai tum taiyar ho. chudiyan bina inko earrings de inko that particular. Yeah, you know, because Suhai's character was different and my character was bilkul absolutely different. To jo jaise wo usme baar baar kehti hai ki ha wo uske sath gayi hogi na, ha to iske sath ghum rahi hogi na to lal lipstick lagayi hai. To main mujhe wo pop out karna tha usme se zyada extra makeup karke ki unko lage ki acha jo iska makeup hua hai na ye isne kiya, ye bigad rahi hai ladki ko. So I wanted and Kasim obviously wanted it to show and you know pop out a little and you know enhanced it in a way where people notice it कि हाँ यार ये कॉलेज जाती है और इसकी माँ स्ट्रिक्ट है तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करती है तो ये कम मेकअप करती है और ये थोड़ी आउट है. contrast, तो मुझे अच्छा लगा. बहुत अच्छा था. तो